Assalamu alaikum beta. My name is Irshad Ali and I am a physics teacher at the Scholar Science College, Wakhent. प्रीवियस लेक्चर में हमने टॉर्क के बारे में डिस्कशंस की थी और टॉर्क के बारे में हमने ये कहा था कि टॉर्क इज़ द मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क इज़ द मोमेंट ऑफ फोर्स. आज का हमारा लेक्चर है मोमेंट ऑफ अ कपल. ठीक है, अब कपल को समझने के लिए, इस टॉपिक को समझने से पहले या समझने के लिए आपने ये एक एग्ज़ाम्पल देखनी है कि ये अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक टेबल है, ठीक है, और उस टेबल पे मैं दो फोर्सेस अप्लाई कर रहा हूँ. फोर्स अप्लाइड एट पॉइंट ए, ये आपके पास पॉइंट ए, ये टेबल है आपके पास, राइट. और फोर्स अप्लाइड एट पॉइंट बी इज एफ बी, फोर्स अप्लाइड एट पॉइंट ए इज एफ ए, राइट. सेंटर आपके पास टेबल का जो सेंटर है दैट इज पी. इस केस में देखें दोनों फोर्सेस जो हैं ये क्या हैं, पैरेलल इन डायरेक्शन हैं. तो इस केस में हमारे पास कौन सी मोशन प्रोड्यूस होगी, लीनियर मोशन प्रोड्यूस होगी. द मोशन इज लीनियर मोशन, राइट, या ट्रांसलेटरी मोशन. अब इधर अगर आप देखें वही टेबल है, ठीक है, और आप फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन से, ठीक है, और देखें लाइन ऑफ एक्शन जो है वो क्या है, सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है. लाइन ऑफ एक्शन जो है क्या है, सेम है लेकिन डायरेक्शन जो है वो क्या है, दोनों फोर्सेस की वो अपोजिट है. क्योंकि ये दोनों फोर्सेस ये क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड. ये भी आपने याद रखना है कि ये एफ ए बराबर है किस चीज़ के, एफ बी के. दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में. तो क्या होगा, ये बॉडी जो है क्या होगी, स्टेशनरी होगी. देयर विल बी नो लीनियर मोशन एंड देयर विल बी नो रोटेटरी मोशन, राइट. अब देखें थर्ड एग्जाम्पल में, अगर हम देखें वही टेबल है, अब फोर्सेस की हम क्या करते हैं, लाइन ऑफ एक्शन जो है वो चेंज कर देते हैं. एक फोर्स को हम एक एज पे अप्लाई करते हैं और दूसरे फोर्स को दूसरे यहां पे इस साइड पे, ठीक है. अब अगर इधर देखें तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, द टेबल विल रोटेट. यहां पे अगर आप देखें, इसको आप टेबल कंसिडर करें, इन दो पॉइंट्स पे अगर आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो टेबल में आप लीनियर मोशन प्रोड्यूस कर सकते हैं. अगर आप फोर्सेस, दो फोर्सेस को इधर अप्लाई करेंगे यूं सेंटर में अपोजिट डायरेक्शन से, तो द टेबल विल रिमेन एट रेस्ट. और अगर दोनों फोर्सेस, एक फोर्स को इधर अप्लाई करें और दूसरी फोर्स को इधर अप्लाई करें, दोनों फोर्सेज मैग्नीट्यूड में क्या है, बराबर हैं, डायरेक्शन में अपोजिट हैं, तो फिर क्या होगा, एज अ रिजल्ट द टेबल विल रोटेट. अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, रोटेटरी मोशन प्रोड्यूस होगी. इस केस में हमारे पास कौन सी मोशन थी, ट्रांसलेटरी मोशन और लीनियर मोशन. और इस केस में हमारे पास जो मोशन होगी दैट विल बी रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन. और हमारे पास एज अ रिजल्ट जो है वो टेबल क्या होगा, रोटेट हो जाएगा और टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा. पहले भी मैंने कहा था रोटेशन और टॉर्क, फिजिकल मीनिंग ऑफ टॉर्क इज रोटेशन, राइट. अब अगर यहाँ पे हम देखें, अब इसको हम डिफाइन करते हैं मूवमेंट ऑफ कपल. अब देखें यहाँ से अगर हम देखें तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन डायरेक्शन है. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, और इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन इसका ये और इसका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो ये, दोनों का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या है, वो डिफरेंट है. तो हम ये कह सकते हैं कि कपल इज अ, या मोमेंट ऑफ अ कपल, मोमेंट मीन रोटेशन, राइट. सो मोमेंट ऑफ कपल इज अ पेयर ऑफ, इट इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हैविंग different, having different line of action, of having different pair of equal and opposite forces, having different line of action. दोनों का जो line of action है, इसका जो line है तो ये इस direction में act कर रहे हैं, line of action of force
अप्लाइड एट पॉइंट ए, फोर्स अप्लाइड एट पॉइंट बी, दोनों मैग्नीट्यूड में क्या है, बराबर हैं, इक्वल एंड अपोजिट, डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट हैं। तो तीन चीजें आपने याद रखनी है, फोर्सेस क्या होंगे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन सेकंड, और आपके पास डिफरेंट, दे हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। तो ये तीन चीजें जो है आपने कपल में, जब भी ये तीन चीजें क्या हो जाएं, सेटिस्फाई हो जाएं, जब ये तीन चीजें किसी भी बॉडी पे, किसी भी सिस्टम पे सेटिस्फाई हो जाएं, तो हमारे पास प्रोड्यूस होगा कपल, मींस मूवमेंट प्रोड्यूस होगा, और ये जो आपके पास सिस्टम है दैट इज कॉल्ड द मूवमेंट ऑफ अ कपल। तो देखें आप यहाँ पे ये फोर्सेस जो हैं, फॉर एग्जांपल ये डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, इन दोनों फोर्सेस के दरमियान में जो डिस्टेंस है दैट इज कैपिटल डी, सपोज ये पॉइंट ए सपोज और ये पॉइंट बी ऑलरेडी, तो ए और बी के दरमियान में जो डिस्टेंस है दैट इज डी, राइट। अब हम देखते हैं जो रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है, जो रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है मींस जो नेट टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। अब देखें ये एज अ रिजल्ट, ये जो टेबल है ये इस डायरेक्शन में रोटेट होगा, यूं आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो यू एज अ रिजल्ट जो है यहाँ से इस तरफ डाउनवर्ड और यहाँ से अपवर्ड, तो एज अ रिजल्ट ये टेबल जो है इस तरह काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा, रोटेट होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इस काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन में हम मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क जो है वो क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। सो नेट टॉर्क, टॉर्क नेट, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू टॉर्क प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फोर्स ए प्लस टॉर्क प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फोर्स बी अप्लाइड एट पॉइंट बी। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट आर्म इन टू फोर्स। तो आप देखें यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, अगर इसको आप लिख दें विक्टर फॉर्म में, ठीक है, तो ये आपके पास होगा टॉर्क नेट दैट विल बी इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ थीटा, राइट। इसी तरह ये एफ ए, राइट, और ये आप आर ए डिनोट करें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखें पॉइंट, इस ये जो पॉइंट है दैट पॉइंट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, पॉइंट पी इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट। तो इस पॉइंट के अराउंड ये टेबल जो है ये घूम रहा है, तो इस पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके पॉइंट ए तक जो डिस्टेंस है दैट विल बी डी ओवर टू हाफ। ये देखें टोटल डिस्टेंस डी, और पॉइंट से लेके ए से लेके पी तक जो डिस्टेंस दैट इज हाफ ऑफ डी, और यहाँ बी से लेके पॉइंट पी तक भी जो डिस्टेंस है, सॉरी पॉइंट बी से पॉइंट बी तक जो डिस्टेंस है ये भी हमारे पास हाफ ऑफ कैपिटल डी। तो यहाँ पे अब हम कह सकते हैं कि ये आर ए मेरे पास अब किस चीज़ के बराबर है, ये बराबर है डी बाई टू के, क्योंकि मूवमेंट आर्म यहाँ पे मेरे पास डी बाई टू है, और थीटा यहाँ पे हम पुट करेंगे हमेशा, यहाँ पे हमारे पास मूवमेंट आर्म और फोर्स के दरमियान में जो एंगल होगा दैट विल बी 90 डिग्री, साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे भी आप इसको मिटा दें तो डी बाई टू इंटू एफ ए, और प्लस इसी तरह इसका भी लिख दें डी बाई टू इंटू एफ बी, ठीक है, साइन 90 आपके पास क्या है 1 के बराबर है। यहाँ पे भी फोर्स और ये मूवमेंट आर्म क्या है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ पे आप देखें क्योंकि ये फोर्सेस क्या हैं, एफ ए और एफ बी, ये दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, तो ये हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में अब हम लिख रहे हैं। तो यहाँ से आप एफ को कॉमन लें, एफ यहाँ पे आप लिख दें कि एफ ए बराबर है किस चीज़ के, एफ बी के, तो यहाँ से सिंपल इसको लिख दें एफ, तो ये आप यहाँ पे एफ कॉमन ले लें पेन, ठीक है, या सिंपल अगर आप इसको अगेन एफ इंटू डी बाई टू प्लस एफ इंटू डी और टू, तो यहाँ से आप एफ को कॉमन लें तो ये आपके पास डी बाई टू प्लस डी बाई टू, ठीक है, तो ये अब आपके पास एफ इंटू डी। अब देखें आपके पास जो नेट टॉर्क है दैट इज फोर्स इंटू कैपिटल डी। अब ये देखें कैपिटल डी दोनों फोर्सेस के दरमियान में क्या है, डिस्टेंस है, ये फोर्स अप्लाइड एट ए, फोर्स अप्लाइड एट पॉइंट बी, और इन दोनों के दरमियान में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज डी। तो क्या है टॉर्क यहाँ पे, मोमेंट ऑफ कपल की सेकंड डेफिनेशन आप इस तरह भी कर सकते हैं कि फोर्स
जहाँ पे सिंगल फोर्स आ रहा है, क्योंकि ये फोर्सेस दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, तो मैं एक एफ ले रहा हूँ, सिंगल एफ, फोर्स इनटू डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। सो नेट आर्क, नेट जो टार्क होगा दैट विल बी फोर्स इनटू, या इन दोनों फोर्सेस के दरमियान में, दोनों फोर्सेस के दरमियान में ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये क्या है, इन दोनों फोर्सेस के दरमियान में ये जो कैपिटल डी है दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, ये आपके पास क्या है, नेट टॉर्क है। ठीक है, इसी तरह अगर हम देखें तो कपल मोमेंट ऑफ कपल के हमारे पास जो डेली लाइफ में एग्जांपल्स हैं वो एक स्टेयरिंग ऑफ अ व्हील है। तो स्टेयरिंग ऑफ अ व्हील अगर आप देखें, जब गाड़ी हम टर्न, गाड़ी का टर्न हम लेते हैं, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, ड्राइवर या हम जो है वो स्टेयरिंग को रोटेट करता है, तो उस केस में वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज जो है वो अप्लाई कर रहा है, हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, और सेंट्रल पॉइंट के अराउंड जो है वो क्या, स्टेयरिंग को रोटेट कर रहे हैं। तो ये आपके पास डेली लाइफ में एग्जाम्पल होगी। दूसरी आपके पास ये एक है, मेरे पास नट, ये अगर आप देखें ना, तो इस केस में, इस केस में जो आप फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं, तो एक इस, देखें इसको आप इस तरह पकड़ रहे हैं यूँ, देखें, तो फिर जब आप इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं यूँ, तो तब जाके ये क्या होता है, रोटेट होता है। तो ये भी आपके पास कपल के एक एग्जांपल है, एक फोर्स इधर अप्लाई करें, दूसरी फोर्स इधर, तो देखें इसको आप क्या कर रहे हैं, एक हाथ से आपको रोटेट करना जो है फिर मुश्किल हो जाता है, तो दोनों हाथ से। या तीसरी एग्जांपल ये कि जब आप एक बॉटल का ढक्कन खोलते हैं, तो उस केस में भी आप क्या करते हैं, कपल जो है वो अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह अब हम सिर्फ दो एग्जांपल्स देखते हैं जो कि कपल और टार्क से रिलेटेड हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं, आसान से प्रॉब्लम्स हैं, तो दो में सॉल्व करूँगा और तीसरा आपने खुद करना है। ठीक है, तो इसको आप देखें, सबसे पहले मेरे पास एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, मीन एक बार मीटर रॉड है, ये मीटर रॉड है। ठीक है, मीटर रॉड की जो टोटल लेंथ होती है दैट इज 1 मीटर। एक फोर्स आप इधर अप्लाई करते हैं, ये फोर्स है 2 न्यूटन। दूसरी फोर्स आप इधर अप्लाई करते हैं, ये फोर्स भी है आपके पास 2 न्यूटन। ठीक है, और एक तीसरी फोर्स आप इधर अप्लाई करते हैं, ये भी आपके पास है 2 न्यूटन। सेंटर जो है आपका मीटर रॉड का दैट इज पॉइंट O, जिसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं। ठीक है, और इस पॉइंट, अब देखें, अब इस सिस्टम का हमने क्या करना है, नेट टार्क फाइंड आउट करने के, इसका नेट टार्क जो है वो कितना होगा। अब अगर आप देखें तो ये 2 न्यूटन जो फोर्स है, अगर आप ये देखें ना, पॉइंट O से लेके ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, पिवट पॉइंट है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये आपके पास मूवमेंट आर्म, ये मूवमेंट आर्म अगर यहाँ से आप देखें O से लेके यहाँ तक इस पॉइंट तक, तो ये आपके पास है 0.5 मीटर। ठीक है, क्योंकि टोटल लेंथ ऑफ द मीटर रॉड होती है 1 मीटर, तो O से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है दैट विल बी 0.5 मीटर, और यहाँ पे भी ये O से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये भी हमारे पास 0.5 मीटर है। ठीक है, अब देखें, अब ये जो फोर्स है 2 न्यूटन, ये हमारे पास मूवमेंट आर्म, देखें ये अब मोमेंट आर्म ये, ठीक है, तो अब ये इस पॉइंट से पास हो रहे हैं, ये जो फोर्स है ये इसी पॉइंट या इसी लाइन ऑफ एक्शन, मीन जो मोमेंट आर्म का जिस डायरेक्शन में है, मतलब ये मोमेंट आर्म की डायरेक्शन और फोर्स जो है एक दूसरे के अपोजिट हैं, मतलब एंगल जो बना है दैट इज 180 डिग्री। तो अब ये जो फोर्स है ये कोई मोमेंट प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपके पास कोई रोल प्ले नहीं करता यहाँ पे, क्योंकि ये फोर्स जो है ये क्या है, ये इनइफेक्टिव है, ये इफेक्टिव नहीं है, ये इनइफेक्टिव है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करें, जो नेट टॉर्क होगा, ठीक है, अब ये देखें ये इस तरह यू इस फोर्स, ये फोर्स इधर लग रहे हैं, ठीक है, और ये फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन, तो ये एज अ रिजल्ट ये जो मीटर रॉड है ये इस तरफ क्या होगा, रोटेट होगा। ठीक है, अब ये रोटेशन हम देख रहे हैं और इस रोटेशन को हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको आप देखें, टॉर्क जो नेट टॉर्क होगा, ठीक है, वो होगा आपके पास नेट टॉर्क आपके पास, अब ये कपल है, ये सिस्टम आपके पास एक कपल है। अब देखें, तो मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट आप फोर्स इनटू डिस्टेंस, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स आपके पास कितनी है 2 न्यूटन, और डिस्टेंस आपके पास टोटल मीन्स इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो टोटल डिस्टेंस है दैट इज 1 मीटर। टोटल डिस्टेंस मीन टोटल लेंथ ऑफ द मीटर रॉड।
तो फोर्स 2 न्यूटन सिंगल फोर्स आप लें, आपने लेने क्योंकि ये कपल है, ठीक है। तो 2 न्यूटन इंटू 1 मीटर, तो आपके पास जो नेट आर होगा दैट विल बी 2 न्यूटन मीटर, ठीक है। ये अब दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक व्हील है इस तरह यूं, या आपने खुद करना है, ठीक है। ये एक व्हील है, सपोज मैं जरा ये एक सपोज व्हील है, राइट, और ये पॉइंट ओ, ये पॉइंट ओ दैट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक फोर्स आप इधर अप्लाई करते हैं दैट इज 20 न्यूटन, सपोज दूसरी फोर्स आप इधर इस डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं दैट इज 10 न्यूटन। अब ये जो डिस्टेंस है, ये रेडियस ओ से लेके इस पॉइंट तक ये जो डिस्टेंस है दैट इज 2 मीटर, तो ये भी आपके पास क्या है 2 मीटर। अब ये आपके पास कपल नहीं है, अब देखें, अब क्योंकि एक तो फोर्सेस की डायरेक्शन सेम है, ठीक है, और दूसरे फोर्सेस के मैग्नीट्यूड भी जो है वो डिफरेंट है, तो आपका जो टॉर्क होगा नेट टॉर्क दैट विल बी, अब ये एक दूसरे को देखें, ये इस डायरेक्शन में ये फोर्स इसको व्हील को इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं और ये फोर्स इसको इस डायरेक्शन में, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, एक क्लॉक वाइज दूसरा एंटी क्लॉक वाइज है, ठीक है। तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो ये जो टॉर्क है 20 इंटू फोर्स इंटू, क्योंकि दोनों के दरम्यान में तो एंगल 90 डिग्री है, तो साइन 91, तो आर यहाँ पे क्या है मोमेंट आर्म 2, तो ये 2 इंटू फोर्स आपके पास 20 और माइनस, क्योंकि ये दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज को आप पॉजिटिव लेते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज स्टार को आपने नेगेटिव लेने, और अगर एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिए तो दूसरे को आपने नेगेटिव लिया, तो इसको इस स्टार को मैंने पॉजिटिव लिया 2 इंटू 20, और इस वाले को मैंने क्या लिया 10 इंटू 2, नेगेटिव 10 इंटू 2, तो ये आपके पास 2 इंटू 20 40 माइनस और ये 20, तो नेट जो टार्क होगा दैट विल बी 20 न्यूटन मीटर। लास्ट प्रॉब्लम है ये, आपने खुद इसके बाद जो है प्रॉब्लम वो लास्ट प्रॉब्लम है, वो आपने खुद करना है और अपने टीचर्स के साथ फिर क्वेरी सेशन में क्या करना है डिस्कस करना है, ठीक है। आप देखें फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये एक रिजिड सपोर्ट है, यहाँ से एक स्ट्रिंग के ज़रिए से हम एक मैस को बांधते हैं, ठीक है, मैस, और ये मैस सपोज करें ये जो मैस है ये मेरे पास 1 kg है, ठीक है, तो इसका जो वेट होगा दैट विल बी मास टाइम्स द ग्रेविटी, तो ये मास 1 और ग्रेविटी 10 meters per second square, तो ये वेट आपके पास होगा 10 न्यूटन, ठीक है। और आपने इस मास को डिस्प्लेस किया, फोर्स लगा के डिस्प्लेस किया, यहाँ तक आप लेके आए हैं इसको, ठीक है, इस मास को डिस्प्लेस किया यहाँ तक लेके आए, और ये जो एंगल है ये आप ले लें सपोज 30 डिग्री, तो अब देखें इस सिस्टम में यहाँ पे अगर वेट होगा, वेट यहाँ से इस तरह सीधा यहाँ पे आप W=mg, तो अब यहाँ पे वेट को आपने रिजॉल्व करना है कंपोनेंट में, ये टेंशन टी, अब इस सिस्टम का आपने क्या करना है नेट टॉर्क जो है वो फाइंड आउट करना है। देख लें वेट इज इक्वल टू mg, इसके कंपोनेंट आएंगे 2, ठीक है, एक टेंशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा और दूसरा जो है वो टेंशन के परपेंडिकुलर होगा, तो इस सिस्टम का आपने नेट टॉर्क कैलकुलेट करना है और उसको आपने अपने टीचर से डिस्कस करना है। उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी, आ गई होगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।